नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कंचन टीवी। कंचन टीवी की टीम जैन स्थानक सफीदों में पहुंची है। बहुत सारी संस्थाएं यहां पर सेवा कर रही है। इन्हीं संस्थाओं के बीच हमारे साथ बात करने के लिए आजाद युवा संगठन के प्रेसिडेंट है रवि मलिक, वो हमसे बात करने के लिए। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जाना चाहेंगे, जैन स्थानक में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, उन्हीं में से एक संस्था है आजाद युवा संगठन। किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है, कौन कौन सी सेवाएं आप लोग करते हैं? जी, हम जो लोगों को पहले तो हमने शुरू के 2-3 दिन तो दिया था, मतलब कच्चा भोजन, तो वो हमें कामयाब होता, मतलब ठीक सक्सेस होता दिखाई दिया। फिर हमने मतलब इसको पका के देना स्टार्ट कर दिया। डेली का हम 800 से 1000 लोगों को भोजन। आप साथ के साथ हमें जी बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ सिल्वर रोल में पैक करके रोटियां और ये सब्जी है और ये आप पैकिंग थैली पूरी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आप बताइएगा आप यहाँ पर पूरियां कैसे, आप देख सकते हैं पूरियां भाई कैसे, भाई आपकी ड्यूटी पूरी की है? हाँ जी, पूरी गई। तो आप पूरी ही पैक करते हैं? पूरी पैक करते जी, सिल्वर रोल में पैक करते जी, गरम गरम रह जाए। सफाई का ख्याल रखा जाए? बिल्कुल जी। मास्क लगाते हैं आप? मास्क लगाते हैं जी, और साफ सफाई से हाथ धोकर सही काम करते हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरियां पैक करते हैं, और यहाँ पर दूसरे भाई हैं उनसे हम देखें आप क्या पैक कर रहे हैं यहाँ पर जी। हम सब्जी के साथ साथ जो पूरियां पैक को कराई है पूरी को उसको कंप्लीट करके पैकिंग को उस टाल में लगा करके जैसे ट्रे में रख करके सप्लाई करने का कार्य है हमारा। कितने दिन की सेवा है जी? हम लगभग पिछले 17 दिन से लगे हुए हैं। मैं नीटू दीमान, मीडिया प्रभारी युवा आजाद संगठन गोरक्षा दल हरियाणा जिला अध्यक्ष, आप सभी टीवी कंचन का हमारे इस मुहिम में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, काम कर रहे हैं लगातार। क्या कैसा लगता है जब ये सेवा जी? आप करते बहुत हैं, अच्छा लगता है। आज जैसे देश इस महामारी के दौर से गुजर रहा है और हमने ये हमारी संस्थाएं पहले भी ऐसा कार्य करती रही हैं। खुशी मिलती है जी? बिल्कुल खुशी मिलती है। जाते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, कोई थकावट नहीं होती। जब भी हम किसी भूखे को भोजन खिला करके अपने घर लौटते हैं दिल को सुकून मिलता है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गिलास में डाल के सब्जियां पैक की जा रही हैं एक अलग ही तरीके से। यहाँ पर बात करना चाहूंगा मैं, क्या नाम है आपका? अजय जाटव। अजय, अजय, हाँ जी, अजय हैं और आप यहाँ पर सब्जी डाल रहे हैं? हाँ जी। तो क्या डेली ये काम चलता है आपका? हाँ जी। किस टाइम शुरू करते हैं जी? हम सवेरे 7 बजे आ जाते हैं तकरीबन सभी लोग। किस टाइम तक चलता है जी? अब देखो 12 बज चुके हैं, 1 बजे तक सारा खाना वितरित कर देंगे दिन का। सप्लाई भी आप लोग करेंगे? सप्लाई भी हम ही करते हैं जी। युवा साथी जी, सप्लाई के लिए दूसरी टीम, 6 लोगों की रसोई में ड्यूटी है जी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप दिखाएं हमें वो भी। ये हमारे हलवाई हैं, इनके साथ 6 लोगों की ड्यूटी है हमारे जी। कैसा चल रहा है आपका काम? बढ़िया। कितने लोगों की टीम है? 15-20 बंदे की टीम। एक साथ ड्यूटी देते हैं या शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं? दोनों टाइम। सुबह से शाम? सुबह की टाइमिंग क्या है? सुबह 1-2 बजे तक खाना पका दे, 1 बजे तक। और शाम को? शाम को 8 बजे तक खारिज कर दिया सबको देखा। तो कैसा मतलब सही चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है सर। क्या मतलब सिर्फ कमाई के तौर पे यहाँ लगे हैं, सेवा भी? सेवा के तौर पर, सिर्फ सेवा के तौर पे, कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं। बहुत बढ़िया टीम है आपकी। बिल्कुल ओके, सारे भाइयों का सहयोग है तन मन धन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि सेवा के तौर पे हलवाई है, उनकी टीम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किचन है इनका, और यहाँ पर वो अपने यहाँ चाय वाय बनती है आप लोगों के लिए। शाम को जो ये जानवर है ना, गायें और क्या नाम आवारा कुत्ते जो हैं जी, उनको आज लॉकडाउन की वजह से उनको बेचारों को भरपेट भोजन मिलता है, उनके लिए रोटियां भी बनती है। हाँ, बहुत बढ़िया काम है आजाद युवा संगठन जी। ये फ्रूट भी देंगे हम उनको, फ्रूट भी देते हैं जी, जी, जी। फ्रूट भी, इसके अंदर फ्रूट भी डलेगा शाम को जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि इस पैकेट में फ्रूट भी डलेगा शाम वाली खाने में होता है। काफी अच्छा काम कर रहा है आजाद युवा संगठन, और युवा साथी हैं सभी, बड़ा अच्छा काम करें। और हम तो सभी से निवेदन करेंगे कि इन संगठनों के साथ आप मजबूती के साथ खड़े हो जाइए ताकि और अच्छा काम ये कर सके। क्या कहना चाहेंगे? जैन स्थानक है जी, आजाद युवा संगठन जैन स्थानक, और हमारे छोटे भाई राजेश जैन जी जो इस जी रसोई के कार्यदर्ता ना, राजेश जैन जी कैसे हैं आप? सर नमस्कार जी, कैसा चल रहा है आपका काम? काम बढ़िया चल रहा है जी, सभी व्यापारी भाइयों के सहयोग से और सभी के साथ हमारे आजाद युवा संगठन
जो दिन रात मेरे साथ लगे हुए हैं इनकी मेहनत से। तो क्या आपका संगठन तैयार है अगर लॉकडाउन अगर बढ़ जाता है तो क्या संगठन तैयार है अगले और दिनों के लिए सेवा करने को? नहीं, हमारा ऐसा है, ये जो एसएस जैन सभा है इसके प्रधान जी संदीप जैन जी हैं, तो हमारा क्या यहाँ पे गुरुओं का भी आना जाना रहता है। जैसे अभी भी हमारे संत ठहरे हुए हैं तो ये एक जैन स्थानक है, ये गुरुओं का सरना है। जी सीधा सा सवाल, क्या आजाद युवा संगठन संस्थाएं ये लंगर जारी रखेंगी अगर लॉकडाउन बढ़ता है 14 के बाद? नहीं, हमारा जो टारगेट है हम 14 तक ही है। बिल्कुल बिल्कुल 14 तक वो अभी कह रहे हैं, लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है तो नहीं। हाँ बिल्कुल, संदीप जी हैं हमारे साथ, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, आप कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा है सारा, सारे ही भाई, सारे समाज के, जैन समाज के लोग, आजादी युवा संगठन के, हमारे राजेश भाई भी मेन बीड़ा उन्होंने उठा रखा है सर। क्या सभी जो जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर है क्या सभी तालमेल से काम कर पा रही है? हाँ लगभग सभी तालमेल से काम कर पा रही लगभग। हाँ नहीं, सारे तालमेल से ही कर रही है सारे काम। जैन समाज के हमारे बहुत से भाई हैं, जीतन जैन है वर्धमान प्लाईवुड वाले, उन्होंने भी योगदान दिया है इसमें, और भी हमारे सभी भाई जैन समाज के सभी सारे ही दे रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या तो सामने नहीं आई? नहीं कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की। अच्छा लग रहा है सेवा कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा। मानवता का परिचय दिया आप लोगों ने सभी? हाँ जी, मानवता का परिचय दिया है इस विकट स्थिति में। हाँ बिल्कुल, सभी भाइयों को मैं तो ये कहता हूँ कि भी हर चीज से ऊपर उठ के बिना नाम के बिना राजनीति के तो सहयोग करना चाहिए। एक सड़क भी कोई भी विचारधारा से संबंध रखता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, सभी को राजनीति से ऊपर उठ के बस भाईचारे को बढ़ावा भी सभी को सहयोग अपना करना चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधान जी का, मतलब जो मेरे साथ निरंतर और हमें यहाँ की परमिशन देके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत धन्यवाद वो करते हैं, प्रधान है वो संदीप जी, प्रधान है जैन स्थानक के। हमारे रवि मलिक है, प्रेसिडेंट है आजाद युवा संगठन के, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शहरवासियों की ओर से, जो जरूरतमंद है उनकी ओर से, और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था जैन स्थानक का भंडार। यहाँ पर सेवाएं कर रही हैं संस्थाएं, अच्छा काम कर रही है, और भूखों को भोजन देने का जो पुण्य का काम है वो ये कमा रही हैं। और ये युवा दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनको इंसानियत की कदर है, इंसानियत की फिक्र है, इसलिए काम करती हो। और कंचन टीवी भी इसीलिए काम कर रहा है कि हम जागरूक कर सके, मानवता की सेवा कर सके, लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें घर रहने की प्रेरणा दे सके, और जो भूखे हैं उन तक ये संस्थाएं अपना खाना पहुंचा सके, इसी काम के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे टीवी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन।